हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इग्नू एग्ज़ाम्स। आज मैं आपको इग्नू के कोर्स BEGS 185 इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग करवाऊंगी। इस बुक में गाइस टोटल 3 ब्लॉक्स हैं, जिसका फर्स्ट ब्लॉक मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ। इसके चारों यूनिट्स मैंने करवा दी हैं। आज हम इसका सेकेंड ब्लॉक स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, ये है सेकेंड ब्लॉक, मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज। सेकेंड ब्लॉक करेंगे और इसकी आज मैं आपको यूनिट 1 करवाऊंगी, टीचिंग स्ट्रेटजीज इन द क्लासरूम। बाकी के जो जितनी यूनिट्स मैंने इसकी करवाई हैं, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा BEGS 185 के नाम से, उसमें आपको इसके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और जितनी भी यूनिट्स मैंने करवाई है वो सब मिल जाएंगी। आज हम सेकेंड ब्लॉक की यूनिट 1 करेंगे, टीचिंग स्ट्रेटजीज इन द क्लासरूम्स। ये देखिए, ये है आपके पास में यूनिट टीचिंग स्ट्रेटजीज इन द क्लासरूम। इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली इन एनी लैंग्वेज, इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वन इज़ एबल टू लिसन विद कॉम्प्रीहेंशन, स्पीक विद अ डिग्री ऑफ फ्लुएंसी एंड एक्यूरेसी, रीड विद कॉम्प्रीहेंशन एंड राइट इफेक्टिवली। अगर किसी को कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाना है, कम्युनिकेशन का मतलब होता है अपने आइडियाज़ को या अपने थाट्स को एक्सचेंज करना। आप किसी से बातचीत करते हैं तो वो सब एक कम्युनिकेशन का पार्ट होता है। अगर आपको कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग बनाना है, इफेक्टिव बनाना है, तो उसका सबसे अच्छा ऑप्शन ये है कि आपकी जो कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स हैं, स्पीकिंग स्किल्स है, फ्लुएंसी हो, आप जो भी लैंग्वेज बोलते हैं, चाहे हिंदी बोले, इंग्लिश बोले, मराठी बोलते हैं, तमिल बोलते हैं, कोई भी लैंग्वेज आप बोलते हैं, तो उसमें आपकी जो फ्लुएंसी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस एक्यूरेसी बहुत ज़रूरी है, स्पेशली वर्ड्स को प्रोनाउंस करते वक्त, जब आप स्पेलिंग राइटिंग करते हैं, कुछ रिटर्न पोर्शन करते हैं, तो उस टाइम पर जो आपकी करेक्टनेस है, एक्यूरेसी है, वो आना बहुत ज़रूरी होता है। दिस कैन बी रेफर्स टू एज अ लैंग्वेज एबिलिटी और लैंग्वेज स्किल। जो ये सब जो तरीके हैं या जो सब टैलेंट होता है, इसे हम लैंग्वेज स्किल्स या फिर लैंग्वेज एबिलिटी कहते हैं। यू वुड हैव नोटिस दैट द लर्नर्स लिसन टू, अब यहाँ पे ना आपको कैसे बता रखा है कि डे टू डे लाइफ में ना कुछ आपको इंग्लिश जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है, किस तरीके से आप उसका यूज़ करते हैं, तो कुछ ऐसे लिस्ट बनानी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भी आपको नीचे कुछ बता रखा है कि जो इंग्लिश है उनका हम कहाँ कहाँ पे यूज़ देख रहे हैं आज की डेट में, तो वो सब जगह ही होती है, चाहे वो सॉन्ग्स आप सुन रहे हैं, डायलॉग्स हैं, या फिर न्यूज़पेपर रीड करते हैं, कोर्स बुक होती है, पैम्फलेट है, होर्डिंग्स है, हर जगह कहाँ पे इंग्लिश का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। यही चीज़ आपको यहाँ पे समझा रखी थी। अब इसमें देखिए, फर्स्ट हेडिंग आती है आपके पास में, इंटीग्रेटिंग लैंग्वेज एबिलिटीज़। इंटीग्रेट करने का मतलब होता है चीज़ों को रिलेट करके पढ़ा जाना, तो जो लैंग्वेज एबिलिटीज़ होती है उनको इंटीग्रेट करना। मास्टरी ऑफ इंडिविजुअल लैंग्वेज एबिलिटीज़, राइटिंग, रीडिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग हैज़ बीन परसीव्ड एज अ की टू सक्सेसफुल लैंग्वेज लर्निंग। अब देखिए, कोई भी लैंग्वेज है आप सीखते हैं, कोई भी लैंग्वेज आप सीखते हैं, चाहे इंग्लिश सीखें, चाहे हिंदी सीखें, कोई भी लैंग्वेज आपकी कमांड उसके ऊपर है, तो वो कैसे पता चलता है आप बहुत अच्छे तरीके से बोल पा रहे हैं। कई बार ऐसा होता है जब हम आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको लिख के अपने थॉट्स को प्रेजेंट करना पड़ता है। जैसे आपको एग्ज़ाम देते हैं, आपका कोई भी, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे कॉलेज में कोई एग्ज़ाम हो रहा, तो उस टाइम पर आप लिख कर ही अपने थॉट्स को प्रेजेंट करते हैं। एग्जामिनर के पास में ना आपका फेस है, ना आपकी शक्ल वो देख पा रहा है, ना कुछ और सिर्फ आपके जो थॉट्स होते हैं, जो आपने आंसर शीट में लिखा होता है, एग्जामिनर आपको उसी से जज करता है। तो जब सक्सेसफुल लैंग्वेज लर्निंग है ना, वो इन सब चीज़ों से मिलके बनी है। चाहे आप किसी चीज़ को पढ़ते हैं, राइट लिखते हैं, स्पीकिंग हो रही है, आप बोल रहे हैं, या फिर कोई चीज़ सुन रहे हैं, क्योंकि देखिए लिखना, बोलना और पढ़ना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि लिसनिंग। जब तक आप सुनेंगे करेक्ट नहीं, तब तक आप चीज़ों को सीख नहीं पाएंगे। तो ये चीज़ें क्या होती है, लैंग्वेज लर्निंग के लिए काफ़ी सक्सेसफुल कीज़ होती हैं ये। यहाँ पे आपको एक सिचुएशन दे रखी है, इमेजिन अ क्लासरूम सिचुएशन वेयर द टीचर इज़ टीचिंग इन इंग्लिश। द टीचर्स बिगिन बाय आस्किंग क्वेश्चंस, द लर्नर लिसन टू दीज क्वेश्चन एंड रिस्पोंड इन इंग्लिश। नेक्स्ट द टीचर डिस्ट्रीब्यूट सर्टेन पॉइंट्स ऑफ सिग्निफिकेंस, द लर्नर्स रीड द टेक्स्ट, आर्टिकल, स्टोरी एक्सेट्रा एंड मेक देयर नोट्स, दिस इज फॉलोड बाय द क्लास डिस्कशन। अब यहाँ पे ना क्लास डिस्कशन हो रही है, उसमें दो पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया। फर्स्ट तो क्या आपकी टीचर ने आपको कोई टॉपिक समझाया, और उसके बाद में टीचर ने आपसे उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को पूछना स्टार्ट किया, और बच्चे उस चीज़ को आंसर करते हैं, उनका रिस्पॉन्ड करते हैं। सेकेंड सिचुएशन ये आती है कि किसी ने आर्टिकल, स्टोरी या कुछ ऐसा चीज़ आपने पढ़ी और उसके नोट्स मेंटेन करे, और फिर उसके बाद में क्लास डिस्कशन होता है। तो ये दोनों ही सिचुएशंस हो सकती हैं। जो लैंग्वेज एबिलिटी होती है उसके लिए, जैसे कि जो लैंग्वेज एबिलिटी होती है उसमें क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपको कोई लैंग्वेज अच्छे से सीखनी है, तो उसके लिए सबसे मेजर स्टेप आता है लिसनिंग। आप कोई चीज़ सुनेंगे ऑब्वियसली, तभी आप समझेंगे। जैसे मानिए, मैं आप
आपको ना ये यूनिट समझा रही हूँ, आप ये सोचे कि नहीं ये यूनिट बहुत ईजी है हम खुद से भी कर लेंगे, तो ऑब्वियसली अगर आप खुद से करते या कर पाते तो आपको ये वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और पॉसिबिलिटीज़ ये भी है कि कई बार हमारे अंदर लेजीनेस आ जाती है, बुक बहुत ईजी है, क्योंकि मैं भी कुछ आपको अलग से थ्योरीज नहीं दे रही हूँ, जो बुक में लिखा हुआ है वही समझा रही हूँ। तो कई बार ऐसा भी होता है कि किसी और के वर्ड्स सुन के या किसी और से समझ के हमें वो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है एज़ कम्पेयर टू कि आप खुद से उसको रीड करके समझें। तो ये चीज़ लिसनिंग में आती है कि आपने कोई चीज़ सुनी, चाहे वो मुझसे सुन रहे हैं या आप अपने अपने फ्रेंड्स से सुन रहे हैं, तो चीज़ों को सुन के आप समझ रहे हैं। स्पीकिंग का मतलब हो गया बोलना, रीडिंग का मतलब होता है कोई चीज़ रीड करना, जैसे आप कुछ भी पढ़ते हैं यहाँ पे, राइटिंग का मतलब होता है चीज़ों को लिखना। तो इन सब में एक्यूरेसी तभी आती है जब प्रैक्टिस होती है बहुत ज़्यादा। मोस्ट लर्नर्स वुड हैव यूज ऑल दीज एबिलिटीज़ इन द गिवन सिचुएशंस। यहाँ पे क्या बता रखा है, जैसे कई ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसमें ना लोग ये सारी जो चीज़ें यहाँ पे दे रखी है आपको, चारों की चारों चीज़ें, ये चारों यूज़ करते हैं और उसके बाद में लिखते हैं। कुछ में ऐसा हो सके कि दो चीज़ों को यूज़ करा और लिख दिया, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ये चारों टेक्निक्स एक साथ यूज़ करी जाती हैं। दिस इज़ एग्जांपल ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ लैंग्वेज एबिलिटी। जब इन चारों टेक्निक्स को यूज़ करके आप कोई चीज़ करते हैं, चाहे कोई भी लैंग्वेज आप सीखते हैं, कोई लैंग्वेज लर्नर बनते हैं, तो उस चीज़ को कहते हैं इंटीग्रेशन ऑफ लैंग्वेज एबिलिटीज़। मोस्ट ऑफ अस यूज टू और मोर लैंग्वेज एबिलिटीज टुगेदर। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आपको दे रखे हैं, जैसे रिस्पॉन्डिंग टू क्वेरीज। अगर कोई क्वेरी है उसके लिए आपको रिस्पॉन्ड करना है, तो ऑब्वियसली वो क्वेरी या तो आपने कहीं पे सुनी है या देखी है, उसके बाद में आप उसका रिप्लाई करें। अगर आपने कहीं पे देखी है तो आप टाइप करके रिप्लाई करते हैं, जैसे ऑनलाइन डिजिटल वे में होता है। अगर आप फ़ोन कॉल पे सुनते हैं तो आप उसको बोल कर ही रिप्लाई देते हैं। चैटिंग विद फ्रेंड्स हो गया, नरेटिंग अ स्टोरी वी हैव रीड, शेयरिंग आर अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ऑन रीडिंग, टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन हो गया, फिलिंग फॉर्म्स बेस्ड ऑन गिवन इंस्ट्रक्शंस। तो ये चीज़ें क्या होती है, इसमें आप इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं। इसके बाद में गाइस, चेक योर प्रोग्रेस वन आपको दे रखा है, इसमें क्वेश्चन क्या दे रखा है, व्हाट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ लैंग्वेज स्किल। जो लैंग्वेज स्किल्स होती हैं उनमें इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन का मतलब क्या हो गया, कोलैबोरेशन हो गया। जैसे कि मल्टीपल स्किल्स जो होती हैं उनको सेम टाइम पे यूज़ किया। चार स्किल्स होती हैं जो मैंने आपको समझाई, एक होता है लिसनिंग, कोई चीज़ सुना, स्पीकिंग बोलना, रीडिंग एंड राइटिंग। तो ये चार स्किल्स होती हैं, जब इन सारी स्किल्स को एक टाइम पे यूज़ किया जाता है तो उसे हम इंटीग्रेशन ऑफ लैंग्वेज स्किल कहते हैं। इसका आंसर आपको पेज नंबर 84 पे और पेज नंबर 89 पर मिलेगा। पेज नंबर 84 पे जो मैंने ये पॉइंट्स लिखे हैं यही वाले हैं, और इसमें आप कुछ ये पॉइंट्स का एग्जांपल भी दे सकते हैं। बाकी पेज नंबर 89 पे आप इसका आंसर चेक कर लीजिएगा। इसके बाद में गाइज, वैसे ये क्वेश्चन आप अपने आप भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आता है, गिव एग्जाम्पल ऑफ टास्क वेयर मोर देन वन लैंग्वेज एबिलिटी इज़ यूज। कोई ऐसा टास्क आपको देना है जहाँ पे एक से ज़्यादा जो लैंग्वेज है उसको यूज़ किया जाता है। तो देखिए ये सारे एग्जाम्पल आप इसमें से, वहाँ पे गिव एग्जाम्पल बोला है तो कुछ नंबर नहीं है, मोर देन वन लैंग्वेज यूज़ हो रही हो, तो आप यहाँ से कोई भी दो चार एग्जाम्पल्स को याद रख सकते हैं, चाहे वो टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन हो, फ़ोन पे बात करते हैं जैसे सेल्स वगैरह से रिलेटेड, या कोई भी आप बात करते हैं या फिर फॉर्म फिल करते हैं, कहीं पे भी आप जाते हैं जॉब वगैरह के लिए, तो वहाँ पे पहले आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ता है जिसमें वो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपसे मांगते हैं। या फिर फ्रेंड्स के साथ चैट करें, वो कोई भी सोशल साइट हो सकती हैं, व्हाट्सएप है, इंस्टा है, फेसबुक है। तो ये आंसर्स में से, इन पॉइंट्स में से आप कोई भी पॉइंट्स को पिक करके सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर आप में से किसी के पास में अभी बुक नहीं है, कोई ऐसा बच्चा भी इन वीडियोस को देख रहा है जिसके पास में स्टडी मटेरियल अवेलेबल नहीं है, तो वीडियो को पोस्ट क्या कीजिए और उसके बाद में आंसर्स को मेंटेन कर सकते हैं। और अगर आप मेरी मतलब मेरा रिकमेंडेशन मांगे, आप मेरी प्रेफरेंस मांगे, तो मैं आपको यही कहूँगी कि अभी टाइम बहुत कम है, तो प्लीज़ लिखकर टाइम वेस्ट मत करना कि आप लोग अपने नोट्स प्रिपेयर करें, अभी टाइम बहुत बहुत कम है। तो जितना हो शॉर्ट में चीज़ों को लिखिए और चीज़ें जितना मैक्स टू मैक्स लर्न करके आंसर्स राइटिंग की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं उतना ज़्यादा से ज़्यादा करिए, क्योंकि फाइनल ईयर के एग्ज़ाम में तो जितनी अच्छी आपकी मार्कशीट बन जाए तो उतना ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक आता है इंडियन कॉन्टेक्स्ट, टीचिंग लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर। अब जो इंग्लिश लैंग्वेज है या टीचिंग है वो थ्रू लिटरेचर। लिटरेचर का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ जो लिखी होती है ग्रंथ टाइप में लिखी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें उसमें थ्योरी फॉर्म में लिखी होती हैं। अब यहाँ पे कुछ रीजंस आपको दे रखे हैं यूजिंग द इंग्लिश टेक्स्ट बुक, जो
इंग्लिश की जो टेक्स्ट बुक्स होती हैं, चाहे एक है, दो है, चार है, जितनी भी आपके पास में इंग्लिश टेक्स्ट बुक है, उनका यूज़ करना क्यों ज़रूरी हो जाता है। यहाँ पे कुछ आपको रीजंस दे रखे हैं, जैसे दे आर प्रिस्क्राइब्ड इन द सिलेबस। सबसे पहला जो यूज़ है वो तो यही है कि ये सिलेबस का एक पार्ट होती है, इसलिए उनको पढ़ना ज़रूरी हो जाता है। दे प्रोवाइड ईजी एक्सेस टू टेक्स्ट दैट कैन हेल्प डेवलप द लैंग्वेज एबिलिटीज़ ऑफ द लर्नर। और कुछ में काफ़ी ईजी लैंग्वेज होती है, जो सिलेबस की बुक्स होती हैं वो काफ़ी ईजी लैंग्वेज में होती हैं, लेकिन आप उसके अलावा एक्स्ट्रा नॉवल्स वगैरह प्रेफरेंस देते हैं तो वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं। सो यहाँ पे कुछ आपको पॉइंट्स दे रखे हैं, जिससे कि आप इनमें जो इंग्लिश टेक्स्ट बुक्स हैं उनके क्या क्या यूज़ हो सकते हैं या क्यों उनको प्रेफरेंस देनी चाहिए, तो ये पॉइंट्स आप यहाँ से पिक कर सकते हैं। इसके बाद में गाइस नेक्स्ट आता है, मोस्ट टेक्स्ट बुक्स इंक्लूड प्रोज पीसेस सच एज शॉर्ट स्टोरीज एंड एक्सट्रैक्ट फ्रॉम बायोग्राफीज़ दे रखी हैं, डिस्क्रिप्शंस हैं, न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स हैं। इन सब को पढ़ के भी आपको एक तो नॉलेज मिलती है, प्लस आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होती है, और जैसे अगर आप कंटिन्यू बेसिस पे इनको रीड करते हैं तो आपकी लैंग्वेज में एक्यूरेसी प्लस फ्लुएंसी दोनों ही आ जाती है। आइडिया बिहाइंड देयर इंक्लूजन, अब जैसे कुछ जो डिस्क्रिप्शंस होते हैं, न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स हैं, कुछ पोएटिक हैं, बायोग्राफीज़ हैं, उनको सिलेबस के साथ में या अकेडमिक्स में कंक्लूड करने की क्या वजह होती है। जैसे कि आप जो भी इंग्लिश में बुक्स पढ़ते हैं, आप 11th 12th की बात करती हूँ मैं, आप जब भी बुक्स वगैरह पढ़ते हैं तो उनके साथ आपकी कोई नॉवल ऐड ऑन कर दी जाती है, तो उसकी वजह क्यों होती है, क्या उसकी ज़रूरत होती है। सो दे सीम अप्रोप्रिएट टू द लर्नर्स एज एंड कॉन्टेक्स्ट। लर्नर ऑट टू बी ओरिएंटेड टू रीडिंग फ्रॉम डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिस्कोर्स। दे प्रेजेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमैनिटी, देयर बाय ब्रॉडनिंग द लर्नर्स पर्सपेक्टिव्स। देखिए यहाँ पे आपको ये इन पॉइंट्स में बता रखा है कि जब आप सिलेबस के अलावा कुछ एक्स्ट्रा बुक्स को ऐड करते हैं तो क्या होता है, आपको कुछ अलग पॉइंट्स जानने को मिलते हैं, चाहे वो किसी की ऑटोबायोग्राफीज हो, आपको अपनी हिस्ट्री पता चलती है कि हाँ ये चीज़ हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट थी, किसी बड़े फेमस पर्सनैलिटी ने आपकी लाइफ में क्या रोल प्ले किया, कैसे आप उनसे मोरल ले सकते हैं, अपनी लाइफ को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, आपको कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो कभी भी जो रीडिंग होती है, चाहे आप कुछ भी पढ़ते हैं, रीडिंग कभी भी वेस्ट नहीं जाती है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है, लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर अप्रोच हेल्प द लर्नर्स इन अचीविंग देयर मेन एम विच इज़ टू इम्प्रूव देयर नॉलेज। अब जो लिटरेचर को जब ऐड कर देते हैं हम रीडिंग स्किल्स में, तो उससे आपकी जो नॉलेज है वो इम्प्रूव होती है, प्रोफेशनसी, जैसे कि आप कोई भी चीज़ पढ़ते हैं उसमें फ्लुएंसी आती है, एक्यूरेसी आती है, तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाती हैं। और जूनियर क्लासेस में स्पेशली बुक्स को 2-3 को ऐड करवाया जाता है एज अ नॉवल, उसके भी मार्क्स होते हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि स्कूल टाइम में अगर आप पढ़ रहे हैं और बिना मार्क्स की कोई बुक आपको दे दी जाए जिसमें मार्क्स नहीं मिलेंगे, एग्जाम नहीं होगा, तो ऑब्वियसली बच्चा उसको हाथ भी नहीं लगाता है। तो यही चीज़ें आपको यहाँ पर बता रखी हैं। इसके बाद में गाइस चेक योर प्रोग्रेस 2 का ये क्वेश्चन कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने इसको क्रॉस कर दिया है। स्टिल अगर आपको लगता है कि आपको पढ़ना है तो आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। नाउ सेकंड क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। व्हाट इज़ इन योर ओपिनियन आर द स्ट्रेंथ ऑफ ट्रांजिटिंग लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर। तो देखिए हिंदी में भी मैंने इसका ना मीनिंग लिख दिया है, कई बार क्वेश्चंस कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेटेड होते हैं जो इंग्लिश में काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में नहीं आते। हिंदी में इसको कहते हैं साहित्य के माध्यम से भाषा के लेन देन की ताकत क्या होती है, तो ये चीज़ आपको इसमें आंसर लिखना है। पेज नंबर 99 पे इसका आंसर आपको मिलेगा। बेटा मिनट, मैं आपको थोड़ा ना दिखा भी देती हूँ, क्योंकि कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनके पास में बुक्स नहीं होती हैं। तो ये देखिए, ये रहा चेक योर प्रोग्रेस 2, और यहाँ पे आपको मिल गया आंसर। तो क्या उसके बेनिफिट्स होते हैं, फर्स्ट तो है हेल्प लर्नर्स अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट मल्टीपल लेवल्स ऑफ मीनिंग। बहुत सारे डिफरेंट टाइप के मीनिंग्स और वोकैबुलरी आपकी इंप्रूव होती है ऐसे नॉवेल्स या लिटरेचर को पढ़ने से। लर्नर्स आर एक्सपोज्ड टू डिफरेंट ऑथर स्टाइल्स एंड जर्नीज। बहुत सारे डिफरेंट ऑथर्स आप रूबरू होते हैं, आपको उनका स्टाइल लिखने का तरीका, किन किन चीज़ों पर उन्होंने फोकस किया, ये सब चीज़ें पता चलती हैं। प्लस जो क्रिटिकल थिंकिंग होती है उसमें भी उसकी एबिलिटी भी चेंज होती है, उसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलती है, काफ़ी मल्टीपल लेवल पे आप एडवांस हो जाते हैं, प्लस आपके पास में वोकैबुलरी स्ट्रांग होती है और बहुत सी चीज़ों को आप इजीली टैकल कर लेते हैं। सिर्फ बुक्स पढ़ने से आपको किताबी ज्ञान नहीं मिलता, लाइफ के बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स होते हैं जो आपको बुक्स पढ़ने से आपके थॉट्स के अंदर वो चीज़ें आने लग जाती हैं। इसके बाद में गाइस नेक्स्ट दे रखा है लैंग्वेज एबिलिटीज़। As डिस्कस earlier, language is a medium for communication. Language क्या होता है, medium for communication होता है। Obviously अगर आपको कुछ बोलना नहीं आता तो आपके लिए communication काफ़ी हद तक difficult हो सकता है, क्योंकि हर जगह आप लिख कर चीज़ों को नहीं समझा सकते, हर जगह आप पेन पेपर को साथ में नहीं रख सकते, तो जब बोलना होता है ना वो हमारे लिए काफ़ी मेजर रोल
इसी चीज़ में प्ले कर देता है। तो जो कम्युनिकेशन का मीडियम है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लैंग्वेज उसके लिए। कम्युनिकेशन टेक प्लेस थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ, कम्युनिकेशन किन किन चीज़ों से होता है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ये चार पार्ट्स बार बार रिपीट हो रहे हैं तो ये आपको ध्यान में रखने हैं। बिसाइड दिस अदर एस्पेक्ट दैट वी नीड टू फोकस ऑन वाइल टीचिंग लर्निंग इंग्लिश आर वोकैबुलरी डेवलपमेंट। जब आप कोई चीज़ पढ़ते हैं या किसी को पढ़ाते हैं या कोई चीज़ सीखते हैं तो उस टाइम पर आपको इन चार चीज़ों के अलावा और एक चीज़ ध्यान में रखनी होती है और वो होती है इंग्लिश की वोकैबुलरी। जैसे कि ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपको सेंटेंस का करेक्ट ऑर्डर पता चलता है। आप खुद एक बार इमेजिन करिए कि आपको ना हिंदी में कोई सेंटेंस दे दिया जाए बिना मात्राओं के, हो मात्राओं की अशुद्धियाँ उसमें हो, इम्प्योरिटीज़ हो, मिस्टेक्स हो, तो वो सेंटेंस आपको गलत लगेगा, समझ में नहीं आएगा, तो बहुत सारी प्रॉब्लम आप फेस कर पाएंगे। यही चीज़ें हैं कि अगर आपकी इंग्लिश में वोकैबुलरी डेवलपमेंट नहीं है और अगर आपका ग्रामर पोर्शन अच्छा नहीं है, चीज़ों पर कमांड नहीं है, तो आप इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। अब गाइस यहाँ पे जितने भी एग्जांपल्स दे रखे हैं मैं बिल्कुल भी ये सजेशन नहीं दूंगी कि आप इसको पढ़ के टाइम अपना थोड़ा एक्स्ट्रा लगाएं इस चीज़ पे, वेस्ट तो नहीं होगा क्योंकि ऑब्वियसली काम का है ये, लेकिन हाँ ये मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि इसमें आपको ना क्वेश्चंस इससे रिलेटेड नहीं है, क्वेश्चंस थोड़े अलग तरीके से एग्जाम में आएंगे और इसलिए मैंने आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करवा देती हूँ। बाकी अगर आप कोई पढ़ना भी चाहता है तो मैं बता दूँ इसमें क्या चीज़ है। यहाँ पे ना आपको एक NCERT का जो टेक्स्ट बुक थी आपकी 7th स्टैंडर्ड की, उसमें एक स्टोरी थी कल्पना चावला के ऊपर, तो वही आपको यहाँ पे दे रखी है। तो ये चीज़ अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज़ आपकी मर्जी है, नहीं पढ़ना चाहें तो भी। मैं आपको इस पूरी जो स्टोरी यहाँ पे दे रखी है इसका कंक्लूजन बता देती हूँ। यहाँ पे ये चीज़ बता रखा है कि जो ये चैप्टर है या जो लेसन है इसको दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। एक पार्ट है न्यूज़ रिपोर्ट, एज अ न्यूज़ रिपोर्ट मतलब कि जो कल्पना चावला है वो स्पेस में गई थी, उन्होंने क्या कैसे कैसे चीज़ें करी थी और वहाँ पर उनकी क्या लाइफ थी और उसके बाद में उनकी कैसे डेथ हो गई थी, तो ये क्या है, एक तरीके की न्यूज़ रिपोर्ट है। इसके अलावा इन्होंने जो कल्पना चावला है उनकी लाइफ के बारे में लिखा हुआ है कि कहाँ पे वो बॉर्न हुई थी, कैसे कैसे उन्होंने स्ट्रगल किया या क्या उनका क्वालिफिकेशन रहा था। तो ये चीज़ें दोनों तरीके इसमें मिला के आपको कंबाइन दे रखे हैं। इसका एग्जाम्पल और मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि आज की डेट में जो UPSC वगैरह ऐसे प्रेस्टिजियस पोस्ट होती है जिनका रिजल्ट आता है, तो उसमें दो तरीके से न्यूज़ आती है, एक तो टॉपर्स बताए जाते हैं प्लस सेकेंड ही फेज में ये चीज़ बताई जाती है कि टॉपर्स ने कहाँ से पढ़ा, क्या उनका क्वालिफिकेशन रहा था, क्या उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा था, कहाँ से वो बिलोंग करते हैं, तो ये सब चीज़ें उनकी पर्सनल लाइफ से रिलेट करके बताई जाती है। तो यही चीज़ यहाँ पे भी आपको बता रखी है कि इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, एक तो एज अ न्यूज़ रिपोर्ट एंड सेकेंड जो था कल्पना चावला की लाइफ के ऊपर पूरा एक पैराग्राफ दे रखा है, मतलब कि समझा रखा है उनके बारे में। द फर्स्ट इन न्यूज़ रिपोर्ट ऑफ द ट्रेजिक एंड ऑफ कल्पना चावला, तो जो न्यूज़ रिपोर्ट है उसमें बता रखा है जो कल्पना चावला उनकी कैसे डेथ हो गई थी, वेरियस सेकेंड जो है ना वो उनकी जर्नी को डिफाइन करता है कि वो एक स्पेस साइंटिस्ट कैसे बनी, कैसे कैसे उनकी सक्सेस थी, क्या उनकी स्ट्रेटजीज थी, किस तरीके से वो इन चीज़ों में गई। तो एक बायोग्राफिकल स्केच आपको कल्पना चावला का दे रखा है। नाउ As this is a part of textbook, we automatically assume that it is meant to be read. अब ऐसी चीज़ों को जो ऐसे आपको दे रखा होता है, कोई सोशल बात होती है या इस तरीके के जो सेलेब्स होते हैं, मतलब कि एक्टर या एक्ट्रेस की बात नहीं करूँ, जो इंपॉर्टेंट पर्सन्स होते हैं जो हमारी हिस्ट्री में कुछ इंपॉर्टेंट हमारे लिए करते हैं, जैसे हमें कुछ नई चीज़ सीखने को मिलती है, तो इनको जब आप बुक में ऐड कर देते हैं, सिलेबस में ऐड हो जाता है, तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली ये होता है कि ये चीज़ आपको रीड करनी पड़ती है। और बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं कि अगर ये चैप्टर आपके सिलेबस में ऐड नहीं होता तो आप में से बहुत से बच्चे इसको पढ़ना भी ज़रूरी नहीं समझते, क्योंकि जो चीज़ हमारे सिलेबस में रिलेट होती है हम उसी चीज़ को पढ़ते हैं। और कई आप में से ऐसे भी होंगे जो इस चैप्टर को भूल चुके होंगे और हो सकता है कि ये यूनिट आपने जब पढ़ी और इन चीज़ों को सुना तो उसके बाद में आपको दोबारा से ये चीज़ें ध्यान में आई होंगी। नाउ गाइस यहाँ पे आपको यही सेम चीज़ें यहाँ दे रखी हैं, जैसे कि फर्स्ट मैं एक एग्जांपल देती हूँ, बाकी क्या आप खुद से एक बार प्रैक्टिस कर सकते हैं, ऐसा कुछ है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। जैसे फर्स्ट दे रखा है विच वर्ड डू यू थिंक द लर्नर्स विल हैव अ डिफिकल्टी विद। अब जो आपको ये पॉइंट्स दे रखे हैं ना, स्टोरी ये पूरी दे रखी है, इसको आपको पढ़ के ना दो ऐसे वर्ड्स बताने हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स बताने जो इनको आपको डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ी थी, जिसका मीनिंग आपको क्लियर नहीं था। तो जब आप वर्ड्स पे फोकस करते हैं तो वो चीज़ किस में आती है, वोकैबुलरी में फोकस करते हैं। उसके अलावा जो लिसनिंग है उसका मतलब क्या, कोई चीज़ आपने सुनी, कुछ आइडियाज़ को प्रेजेंट कर लिया। इसके अलावा स्पीकिंग में आता है कि डिस्कशन हो गया, डिबेट हो गई, तो ये चीज़ें किस में आ गई, स्पीकिंग में। और रीडिंग में तो जो आपने पूरा कॉम्प्रिहेंशन रीड करा और उसको समझा, क्या क्या पॉइंट्स आपके लिए सूटेबल थे, इंपॉर्टेंट थे, उन चीज़ों को समझा, तो वो चीज़ आती है आपकी रीडिंग में। और राइटिंग में क्या होता है,
जब आप इन पॉइंट्स को, इस यूनिट को आपने पढ़ा होगा, तो उसके बाद में जब आप इसके क्वेश्चंस अटैम्प्ट करते हैं, जैसे हम चेक योर प्रोग्रेस अटैम्प्ट करते हैं, तो वो चीज़ आती है आपके पास में राइटिंग में। नाउ इसके बाद में हम नेक्स्ट करेंगे इंटीग्रेटिंग द राइटिंग टास्क इन द लेसन्स। तो चेक योर प्रोग्रेस 3 अब मैं आपको करवाती हूँ। यहाँ पे गाइस जो पहले आपको कल्पना चावला वाला चैप्टर दे रखा है कि एक न्यूज़ रिपोर्ट है, सेकंड उनकी बायोग्राफी है, तो यही चीज़ें आपको यहाँ पे समझा रखी हैं। ऐसे ही ना आपको इस चेक योर प्रोग्रेस 3 में यही चीज़ दे रखी है कि आपको एक एज अ प्रोज लेसन किसी भी टेक्स्ट बुक से पिक करना है, और उसके बाद में 3 राइटिंग टास्क आपको देने हैं इसी चीज़ के ऊपर कि लिसनिंग, स्पीकिंग और रीडिंग के ऊपर, और फिर आपको ये चीज़ अपने आप से करनी है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं, बहुत रेयर चांसेज हैं, क्योंकि एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपके पास आ जाएँ, तो इसलिए इन को आप बाद में पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, एग्जाम से पहले आपके पास में टाइम बचता है तो। अदरवाइज कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको करना ही करना है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है गिविंग फीडबैक ऑन राइटिंग। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें नई नई चीज़ें आपको सुनने को मिलेंगी। जैसे राइटिंग क्या एक परमानेंट और रिटर्न वर्क होता है जो कि ओवर टाइम रह जाता है आपकी। अगर मानिए आप कुछ चीज़ पढ़ते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, अगर कोई मिस्टेक हो जाती है आप उसको रिपीट कर सकते हैं, लेकिन जब राइटिंग की बात आती है तो कोई चीज़ मिस्टेक हो जाती है तो आप वो बार बार उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। राइटिंग इसीलिए जो राइटिंग है वो क्या होती है, एक परमानेंट होता है। राइटिंग एम्बॉडीज नॉट ओनली द लर्निंग दैट टेकन हैज प्लेस ओवर टाइम, बट इट्स अ रिकॉर्ड फॉर देयर मिस्टेक्स एज वेल एज। तो जो राइटिंग होती है उसमें ये सिर्फ इतना नहीं होता कि क्या आपने पढ़ा, क्या आपने सीखा, इसके अलावा अगर कोई मिस्टेक भी हो जाती है तो वो भी एक रिकॉर्ड क्रिएट कर देती है। अब यहाँ पे एक वर्ड मैंने मार्क किया है एम्बॉडी, इसका मतलब क्या होता है, टू बी वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ समथिंग, मतलब किसी चीज़ का बहुत अच्छा आप एग्जाम्पल दे देते हैं। राइटिंग एम्बॉडीज क्या होता है, ये इसी चीज़ का एक एग्जाम्पल है कि जो लर्निंग है वो काफ़ी टाइम तक रह तो जाती है, लेकिन उसमें जो मिस्टेक्स रह जाती हैं वो भी काफ़ी टाइम तक हाईलाइट हो जाती हैं। इसके बाद में एक टर्म आपके पास में दे रखी है ESL टीचर्स नीड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल। ESL टीचर्स क्या होते हैं, तो जो सेकेंडरी लैंग्वेज के टीचर्स होते हैं, सेकेंड इंग्लिश को जो एज अ सेकेंड लैंग्वेज कहते हैं, उनको हम ESL टीचर्स कहते हैं। अब देखिए इसकी फुल फॉर्म क्या है, इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज। तो ये टीचर्स बेसिकली कहाँ होते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज लेसन्स टू नॉन नेटिव स्पीकर्स। ये टीचर्स उनको इंग्लिश सिखाते हैं जो कि नॉन नेटिव स्पीकर्स होते हैं, स्पेशली स्कूल या कॉलेज में स्टूडेंट्स होते हैं। ये ज़्यादातर स्कूल में होते हैं क्योंकि कॉलेज तक आते वाते ना काफ़ी इंग्लिश और ग्रामेटिकल चीज़ें इंप्रूव हो जाती हैं। तो यहाँ पे उन टीचर्स की बात करी जा रही है जो नॉन नेटिव स्पीकर्स को टीच करते हैं। आप जब आप स्कूल में जाते हैं तो आप इतने ज़्यादा प्रो नहीं होते इंग्लिश बोलने में, अगर आपका बेस अच्छा नहीं होता है तो टीचर्स आपको हर तरीके से बेस्ट तरीके से समझाने का ट्राई करते हैं। ESL टीचर्स नीड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल व्हेन गिविंग फीडबैक टू लर्नर्स ऑन रिटर्न वर्क। तो जो ESL टीचर्स होते हैं इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज, तो उन टीचर्स को काफ़ी केयरफुल रहना पड़ता है। लर्नर्स नीड टू बी गिवन सजेशंस ऑन कंटेंट, ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टाइल रादर देन फोकसिंग ऑन स्पेलिंग एंड ग्रामर एरर्स ओनली। अब स्पेलिंग और ग्रामर एरर्स के अलावा बिना जो लर्नर्स होते हैं उनको सजेशन देना चाहिए कंटेंट का, ऑर्गेनाइजेशन का, किस तरीके से वो जो फॉर्मेट आप कहते हैं ना लेटर में, ऐसे में जो फॉर्मेट होता है, किस तरीके से अपने आंसर को और इफेक्टिव बनाया जा सकता है। मार्किंग अ नोटबुक रेड बाय एंड सर्कलिंग और अंडरलाइनिंग ईच मिस्टेक में डीमोटिवेट लर्नर्स। अब जैसे मानिए आपके पास में कोई बच्चा है, आप एज अ ESL टीचर है, मतलब इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज आप पढ़ा रहे हैं कहीं पे, तो आपके पास कोई स्टूडेंट लेटर या ऐसे लिखकर लेकर आता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, अगर आप एज अ टीचर हर चीज़ को रेड रेड सर्कल कर देते हैं, मिस्टेक्स को हाईलाइट कर देते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सेस में हाईलाइट कर देते हैं, तो बच्चा क्या होता है डीमोटिवेट होने के पूरे पूरे चांसेज होते हैं। उसे ये लग सकता है कि हाँ ये तो हमें समझ ही नहीं आ रहा, या वो उस चीज़ के लिए कैपेबल नहीं है। तो मिस्टेक्स निकालनी चाहिए बट एक लिमिट में, कि जिससे सामने वाला मोटिवेट रहे, डीमोटिवेट ना हो कि वो उस इसको करने का ही विचार छोड़ दें। तो यही चीज़ आपको यहाँ पे समझा रखी है। देयरफोर इट मे बी गुड आइडिया टू लिमिट रेड मार्क्स टू इंडिविजुअल मिस्टेक्स मेड बाय लर्नर्स। तो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप उनकी गलतियों पे वर्क करें, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि ऑलमोस्ट चीज़ें जो हैं वो रेड कलर के मार्क उस पर बच्चे की आंसर शीट पर लगा दिए जाए। इसके बाद में यहाँ पे देखें नेक्स्ट आगे क्या दे रखा है, लर्निंग्स आर यूजुअली ओपन टू लर्निंग फ्रॉम ईच अदर। जो लर्नर्स होते हैं ना वो एक दूसरे के लिए काफ़ी ओपन होते हैं और एक दूसरे से उनको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। पीयर करेक्शन कैन बी इनकॉर्पोरेटेड
परेटेड इन द फीडबैक प्रोसेस प्रोवाइड इन द क्लासरूम एटमोसफेयर और सपोर्टिव और एनकरेजिंग होना चाहिए, तभी लर्निंग पॉसिबल हो पाती है। तो यही पॉइंट्स आपको यहाँ पे बता रखे हैं। इसके अलावा टीचर्स जो होते हैं उनको कॉम्प्रेंसिव देने चाहिए, मैक्स टू मैक्स रीडिंग देनी चाहिए, इससे बच्चे का जो लर्निंग कैपेसिटी है वो काफ़ी इंप्रूव होती है, प्लस राइटिंग भी काफ़ी इंप्रूव हो जाती है। यही वजह है, शायद से आपने सुना भी हो और देखा भी होगा आप स्कूल टाइम में, जब आप 10th 9th 11th 12th ऐसी क्लासेस के जब एग्ज़ाम्स देते हैं तो आपके पास में कॉम्प्रिहेंशन डेफिनेटली आता है, ताकि एग्जामिनर को टीचर्स को ये चीज़ पता चले कि आप एक पैराग्राफ को पढ़ के कितने क्वेश्चंस को अपने आप से अटेम्प्ट कर सकते हैं। नाउ गाइस, चेक योर प्रोग्रेस 4 आता है। व्हाट कंसिडरेशन विल यू कीप इन माइंड व्हेन गिविंग फीडबैक टू योर लर्नर्स ऑन देयर रिटर्न वर्क? तो क्या क्या पॉइंट्स को आप अपने माइंड में रखेंगे जब आप एज अ लर्नर को कोई जब रिटर्न वर्क करता है, उसने कोई रिटर्न वर्क किया तो वो लर्नर है, उस टाइम पे आप उसे क्या क्या फीडबैक दे सकते हैं अपनी राइटिंग स्किल्स को और ज़्यादा इंप्रूव करने के लिए? नाउ आंसर मिलेगा आपको पेज नंबर 100 पे। देखिए ये रहा पेज नंबर 100, क्वेश्चन ये रहा, ये देखिए ये है चेक योर प्रोग्रेस 4 और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पे आपको दे रखा है डोंट फोकस मेयरली ऑन स्पेलिंग पंचुएशन। यही चीज़ है कि ज़्यादा स्पेलिंग्स पे, पंचुएशन मार्क्स पे या ग्रामेटिकल जो ज़्यादा एरर्स हैं उन पे फोकस कम किया जाए, क्योंकि अगर किया गया तो बहुत ज़्यादा रेड हाईलाइट हो जाएगा जिससे बच्चा डीमोटिवेट हो सकता है। डोंट मेक अ रेड मार्क्स बट सजेस्ट वेज ऑफ रीड्राफ्टिंग, ज़्यादातर रेड मार्क्स नहीं लगाने चाहिए, बल्कि आप उसकी जगह बच्चे को ये बता सकते हैं कि किस तरीके से वो उस चीज़ को इम्प्रूव करे। तो ये पॉइंट्स को आप आंसर्स में अपने इंक्लूड कर सकते हैं। नाउ इसके बाद में नेक्स्ट जो आता है आपके पास में वो है इंटीग्रेटिंग लिसनिंग टास्क इन द लेसन्स। अब यहाँ पे देखिए आपको ना लिसनिंग में स्टेच वो दे रखे हैं, एस्पेक्ट्स दे रखे हैं, प्री लिसनिंग, पोस्ट लिसनिंग, इस तरीके से। तो यहाँ पे चेक योर प्रोग्रेस का क्वेश्चन नंबर 5 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस यूनिट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे यही लगा था, और प्लीज़ इसको बहुत अच्छे से करना। यहाँ पे 3 एस्पेक्ट्स लिखने हैं आपको लिसनिंग प्लान के, और हाउ विल यू इंश्योर दैट दीज आर कनेक्टेड, और आपको बताना है कि कैसे वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। सो अगेन पेज नंबर 100 पे इसका आंसर है, चलिए दिखाती हूँ पेज नंबर 100। ये रहे आपके पास में 3 एस्पेक्ट्स, तो कौन कौन से हैं, एक हो गया प्री लिसनिंग, एक है वाइल लिसनिंग, एक है पोस्ट लिसनिंग। देखिए प्री लिसनिंग का मतलब कोई चीज़ आपने सुनी उससे पहले की बात है, वाइल लिसनिंग मतलब सुनते हुए आप कैसे रिएक्ट कर रहे हैं और एक सुनने के बाद में आपने क्या चीज़ समझी। प्री लिसनिंग कुड बी एन इंट्रोडक्शन टू द टास्क, तो प्री लिसनिंग क्या हो सकता है, किसी भी टास्क का इंट्रोडक्शन हो सकता है। इट मे ऑल्सो इन्वॉल्व्स रिविजन और डिफिकल्ट वोकैबुलरी, ये रिविजन भी हो सकता है, जो भी डिफिकल्ट वोकैबुलरी है, वर्ड्स एंड स्ट्रक्चर है वो समझ में नहीं आए तो उसका एक रिवीजन भी हो सकता है प्री लिसनिंग। वाइल लिसनिंग का मतलब होता है ये एक मेन एक्टिविटी होती है। पोस्ट लिसनिंग एक्टिविटी में क्या होता है, जो भी चीज़ आपने पढ़ ली सुन ली उसके बाद में अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना या चीज़ों को एक्सप्रेस करना, तो ये चीज़ होती है पोस्ट लिसनिंग। ये चीज़ें आपको पढ़नी है। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में गाइस देखिए यहाँ पे है, वेट अ मिनट, ये क्वेश्चंस कुछ खास इंपॉर्टेंट लगे नहीं मुझे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए मैंने इनको छोड़ दिया है। आप करना चाहें तो कर लीजिएगा, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, 1.7 से मार्क कर लीजिए, बहुत अच्छे से इस पूरे को कंप्लीट करना। यहाँ पे आपको जो रीडिंग लेसन्स है ना इसकी स्टेजेस दे रखे हैं, तो इसमें भी सेम जैसे लिसनिंग में होते हैं ना प्री, पोस्ट और वाइल, इसी तरीके से इसमें भी 3 स्टेज हैं, एक है प्री रीडिंग, एक है वाइल रीडिंग जब आप पढ़ रहे हैं उस टाइम पर, और एक है पोस्ट रीडिंग जब आप रीड कर चुके हैं उसके बाद में। नाउ रीडिंग कैन बी अप्रोच्ड इन सेवरल वेज, However, intensive reading calls for a set of sets of facilitated classroom transactions. अब यहाँ पे 3 parts में इसको divide किया जाता है। First आता है pre-reading. Pre-reading task का क्या मतलब होता है, order to stimulate learner interest and prepare them for challenges. Means कि एक learner का interest develop करना और जो भी challenges उसमें आने वाले, चाहे वो language को लेके हो या semantic हो। Semantic का मतलब होता है जो कि words या meaning sentences से related होते हैं, ऐसी चीज़ों को semantic कहा जाता है। तो दोनों तरीके के challenges, जब आप पढ़ते हैं कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो उसमें आपको 2 ही डिफ़िकल्टीज़ आ सकते हैं, या तो आपको वर्ड्स क्लियर नहीं हो रही है, वोकैबुलरी आपकी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आपको वर्ड्स का मीनिंग नहीं पता चल रहा, मीनिंग पता नहीं चला, तो इस वजह से आप अपने उसको बेसिक लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। और या फिर आपको लैंग्वेज की दिक्कत है, लैंग्वेज की दिक्कत, सपोज़ आप हिंदी में बहुत अच्छा पढ़ते हैं, सब चीज़ हिंदी में समझ में आती है, वहीं आपको इंग्लिश में कुछ दे दिया जाए तो आपको समझ में नहीं आया। तो ये दोनों टाइप के चैलेंजेस के लिए बच्चे को पहले ही प्रिपेयर करना, वो आता है प्री रीडिंग। This help the learners in focusing the text ahead. For यहाँ पर आपको कुछ examples दे रखे हैं, जैसे कि आप dictionary का use कर रहे हैं, ये सब आपको examples दे रखे हैं। वैसे मैं आपको answer के time पर ज़्यादा अच्छे से समझा दूँगी, बट अभी आपको ये ध्यान रखना है pre-reading क्या होता है।
इसके बाद में सेकंड पॉइंट आता है गाइज, वाइल रीडिंग। ये उस टाइम पे है जब आप जो सेंटेंसेस है वो बना रहे हैं या मीन मेकिंग स्टेज, इसको कहते हैं वाइल रीडिंग को। द टास्क डिजाइन फॉर वाइल रीडिंग स्टेज हेल्प लर्नर्स टू कॉम्प्रिहेंड द टेक्स्ट एट वेरियस लेवल। तो इसमें क्या होता है, कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस होते हैं। जैसे कि आपके एग्जाम में जो कॉम्प्रिहेंशन आता है, स्पेशली इंग्लिश का जब एग्जाम होता है ना, तो हमारे पास सबसे पहली जो चीज़ लगती है या सबसे स्कोरिंग क्या होता है, कॉम्प्रिहेंशन होता है। उसमें आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाता है, उससे रिलेटेड 4 से 5 क्वेश्चंस आपको दे दिए जाते हैं, और आपको करना क्या होता है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना होता, आपको उस पैराग्राफ को पढ़ के समझना होता है और उससे रिलेटेड नीचे जो क्वेश्चंस आपको दे रखे होते हैं उनको अटेम्प्ट करना पड़ता है। तो यही चीज़ यहाँ पे आपको बता रखी है। यू हैड वुड हैव नोटिस दैट कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस हेल्प द लर्नर्स इन ग्लोबल कॉम्प्रिहेंशन ऑफ टेक्स्ट, फैसिलिटेटेड of comprehensions of detail and lucid meanings. Reordering the events can help the learners arrive at the chronological of event, and matching the words to their meanings can call them better comprehensions of meaning of new words in the text. अब इसको मैं शॉर्ट में समझाती हूँ क्या मैंने पढ़ा यहाँ पे। देखिए, जब आपके पास में कॉम्प्रिहेंशन आता है, पैराग्राफ्स आते हैं, क्वेश्चन उसमें दो तरीके से आते हैं। एक, आपको कॉम्प्रिहेंशन दे दिया जाए, उसके बाद में उससे रिलेटेड नीचे क्वेश्चंस दे दिए जाएँ, और आपको वो 4-5 क्वेश्चंस कॉम्प्रिहेंशंस में से देख के लिखने पड़ते हैं। एक तरीका ये होता है, तो इससे आपकी स्किल्स काफ़ी डेवलप होती हैं, आपकी आंसर मेकिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। इसके बाद में सेकंड गाइस पॉइंट जो आता है वो ऐसा होता है कि आपको ना 4 से 5 सिचुएशन दे दी जाएंगी और उसको आपको सीक्वेंस में लगाना पड़ेगा। सीक्वेंस में इन द सेंस कि जो पैराग्राफ आपको दे रखा है उसमें कौन सी चीज़ कब हुई। ऐसे क्वेश्चंस हिस्ट्री में यूजुअली देखने को मिलते हैं, कुछ आपको डेट्स और ईयर्स दे दी जाती हैं और फिर बोला जाता है कि कौन सा ईयर पहले आएगा, कौन सी जो सिचुएशन थी हिस्ट्री में, कौन सी घटना कब घटित हुई थी। तो ऐसी चीज़ों को हम क्रोनोलॉजिकल बोलते हैं। तो ये दोनों ही चीज़ें आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं वाइल रीडिंग। तो ये वाइल रीडिंग वाले प्रोसेस में ये चीज़ आती है। इसके बाद में गाइस नेक्स्ट टॉपिक आता है पोस्ट रीडिंग। पोस्ट ऑब्वियसली पोस्ट का मतलब होता है बाद में, तो रीडिंग के बाद में। पोस्ट रीडिंग टास्क हेल्प द लर्नर्स इन बिल्डिंग अपॉन देयर प्रीवियस नॉलेज। पोस्ट रीडिंग काफ़ी बेनिफिशियल होती है अगर इस टाइम पे आपको रिवीजन मिल जाती है। जैसे कि आपने कोई पैराग्राफ पढ़ा, समझाया आपके टीचर ने, आपने सॉल्यूशंस वगैरह सब कर लिए और उसके बाद में आपको एक कंक्लूजन मिल जाता है, उसका पूरा बैकअप मिल जाता है, तो वो क्या हो गया, पोस्ट रीडिंग। तो इससे जो आपकी प्रीवियस नॉलेज थी उसको आप बिल्डिंग अप कर सकते हैं और चीज़ों को एक दूसरे से रिलेट कर सकते हैं। तो ये चीज़ आती है आपके पास में पोस्ट रीडिंग में। नाउ आपके पास में क्वेश्चन है, देखिए इस पूरी बुक में, सॉरी बुक कह रही हूँ, इस पूरी यूनिट में, यूनिट 1 जो है सेकंड ब्लॉक की, इसमें 2 क्वेश्चंस मुझे बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे। तो दोनों ही क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे मार्क कर दिए हैं। एक तो चेक योर प्रोग्रेस 5 का क्वेश्चन और एक चेक योर प्रोग्रेस 6 पे। यहाँ पे दे रखा है, लिस्ट द स्टेजेस ऑफ रीडिंग लेसन्स, मेंशन देयर सिग्निफिकेंस। आंसर आपको पेज नंबर 100 पे भी मिल जाएगा। बाकी जो मैंने अभी यहाँ पे समझाए हैं ना स्टेजेस, तो वो कौन कौन से, तो प्री रीडिंग हो गया विद एग्जांपल दे देना, वाइल रीडिंग हो गया और एक हो गया पोस्ट रीडिंग। तो ये तीनों ही यहाँ पे आपको इसमें आंसर में लिखने हैं। इसके अलावा सेकंड क्वेश्चन कहता है 2 टास्क आपको बताने हैं, प्री रीडिंग के, वाइल रीडिंग के, पोस्ट रीडिंग के। तो यहाँ पे स्टोरी जैसा आपको जनरेट करना है, चाहे तो कर लेना चाहे तो मत करना, वो आपकी मर्जी है, बट ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली करना है। नाउ गाइस, यूनिट 1 हो गई है आपकी कंप्लीट। इसमें टोटल 6 चेक योर प्रोग्रेस थी और मैंने कंप्लीट करवा दी हैं। इसके बाद में अब मैं आपको इसकी यूनिट 2 करवाऊंगी। देखिए ये है यूनिट 2, क्लासरूम एज अ डिस्कॉर्स स्पेस। बस मैंने पूरी बुक कंप्लीट कर दी है, लेकिन इसको रिकॉर्ड करने का टाइम मुझे ज़्यादा नहीं मिल पा रहा था, प्लस मेरे गले में भी बहुत दिक्कत थी, तबीयत ठीक नहीं हो रही थी, इस वजह से ये थोड़ा डिले हो गया। उसके लिए आई रियली वेरी सॉरी, लेकिन आई एम डैम श्योर कि मैं आपका 11th ऑफ जुलाई तक मोस्टली मैं इस बुक को कंप्लीट करवा दूंगी। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।